सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी हम इसकी 5 वीडियोस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन 5 वीडियोस को देख सकते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो है वो 6 वीडियो रहने वाली है। इसमें हम बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करते हैं फॉर द नीट यूजी 2021। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि बोथ लैंग्वेजेस को जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गाइस, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कौन सा विकार संधमक केएम में वृद्धि करता है परंतु क्रिया के अधिकतम वेग को प्रभावित नहीं करता। विच एंजाइम इनहिबिटर इंक्रीज किलोमीटर बट नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी मैक्सिमम। तो क्या है, नोट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव जो इरिवर्सिबल है इनहिबिटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी संधमक। प्रतिस्पर्धी संधमक जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस लेते कहां से हैं, तो मैं पहले भी सेशंस में बता चुका हूं, अब फिर से बता देता हूं। एक हम प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाते हैं और इस वीडियो में शामिल करते हैं। तो सर, इस वीडियो से हमें क्या बेनिफिट होगा? तो आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि आपने अब तक जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो चुके हैं नीट 2021 को लेकर, उस प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है उसका आपको पता चलता जाएगा। साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मैक्सिमम चांसेस इनके नीट 2021 के एग्जामिनेशंस में पूछने के भी बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एंजाइम्स किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या फिर पॉलीथीन। तो किसके बने होते हैं? ये तो इजी है यार, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम किसके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स के एंजाइम बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन प्लांट्स एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड इन। पादपों में जल की एपोप्लास्टिक गति को किससे रोका जा सकता है, किस में रोका जा सकता है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या फिर पेरिसाइकल। तो किससे रोका जा सकता है? देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में जो जल की एपोटाइटिस गति है उसको एंडोडर्मिस से रोका जा सकता है। एपोप्लास्टिक जो मूवमेंट है इन वॉटर उसको एंडोडर्मिस से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नीज की विशेषता का मुख्य लक्षण क्या है? प्राइमरी सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेनिस, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, लिटिल लीफ डिजीज या फिर रिक्लेमेशन डिजीज। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरी शिराओं के आसपास जो भूरे धब्बे हैं उनका दिखना। ये क्या है? मैग्नीज की जो विशेषता है उसका लक्षण है। ठीक है, जो हरी शिराएं हैं उसके आसपास जो भूरे धब्बे दिखते हैं अपने को, जो अपीयरेंस है ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादपों में नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में ग्लूटामेट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Assimilation of nitrogen in plants leads to synthesis of glutamate by the process called as paraaminan, apchai aminikaran, utpreriki amidikaran या फिर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। Then guys, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनीकरण जो है अपचयी एमिनीकरण, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। प्रकाश श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में अगर देखें, उसके रिगार्डिंग अगर देखें, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा? Occur in C3 plants, release of CO2 and utilization of ATP, binding of O2O to RUBP या फिर synthesis of sugar।
द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ शुगर। शर्करा का जो संश्लेषण है वो इस यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रकाश श्वसन के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RQ के मानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य से असंगत है? Which of the following is odd among the others regarding their RQ values? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें करेक्ट बताना होता है इनकरेक्ट बताना होता है, तो एग्जामिनर क्या करता है, घुमा के क्वेश्चन को पूछता है, जिसमें से कि आपको आपको वो कंफ्यूज कर सके, कि आपको पता ही ना लगे कि इस क्वेश्चन में गलत बताना है या फिर सही बताना है। तो क्वेश्चन जब भी राइट और रॉन्ग वाला आए, इनकरेक्ट और करेक्ट वाला आए, तो दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए क्वेश्चंस को, पहले देखिए क्वेश्चंस में कि पूछा क्या गया है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। अब इसमें असंगत पूछा है यानी कि ऑड अमंग पूछा है यानी कि गलत बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, फैट्स, मैचरिंग फैटी सीड्स, प्रोटीन्स या फिर जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैच्योरिंग फैटी सीड्स, परिपक्व हो रहे वसीय बीज, ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौधों में कोशिकीय विभाजन डैश होता है जबकि जंतुओं में डैश होता है, इन प्लांट सेल्स डिविजन ऑक्यूर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट ऑक्यूर्स डैश। दोनों में क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा क्वेश्चन, पूरा का पूरी लाइन क्या बनेगी, पूरा सेंटेंस, इन प्लांट्स सेल डिवीजन ऑक्यूर्स कंटिन्यूअसली वेयर एज इन एनिमल इट ऑक्यूर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज। यानी कि पौधों में जो कोशिकीय विभाजन है वो लगातार होता है, जबकि जंतुओं में जो है वो केवल एक निश्चित उम्र तक ही होता है। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज नॉट ए कोफैक्टर, कौन सहकारक नहीं है, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, प्रोथेस्टिक ग्रुप या फिर मेटल आयंस। तो कौन सा होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी पादपों में मुख्यतः सहायक वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल या फिर टू एंड थ्री बोथ। एसेसरी पिगमेंट इन मोस्ट फोटोसिंथेसिस प्लांट आर। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, टू एंड थ्री, ये जो है वो दोनों राइट होंगे, एक तो क्लोरोफिल बी और दूसरा जो कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो गाइज अपने 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, डेली के सेशंस में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो आधा सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज हिंदी मीडियम के जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो आपको मुश्किल से देखने को मिलते हैं, एंड मैं स्पेशली आपके लिए जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज आई एम ए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, तो आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ हिंदी मीडियम के कंटेंट, तो शेयर जरूर कीजिएगा और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें जल ऑक्सीकृत हो एनएडीपी का अपचयन एमएटीपी का निर्माण होता है क्या कहलाती है, ए बी सी एंड डी। डायरेक्शन इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज एनएडीपी इज रिड्यूस्ड एंड एटीपी इज फॉर्म्ड आर नाउन एज, लाइट रिएक्शन ऑफ ग्रेनर, डार्क रिएक्शन ऑफ स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन ऑफ स्ट्रोमा या फिर डार्क रिएक्शन ऑफ ग्रेनर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लाइट रिएक्शन ऑफ ग्रेनर, लाइट रिएक्शन ऑफ ग्रेनर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण नहीं होता है, इथेनॉल, CO2, O डबल ए या फिर एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट डज नॉट प्रोड्यूस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ओ डबल ए, ओ डबल ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म काल्पनिक हार्मोन है, विच हार्मोन पेयर इज ए हाइपोथेटिकल हार्मोन्स। तो कौन सी पेयर
हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है, यानी कि काल्पनिक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी वी वाले जो पेयर है वो हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है, यानी कि काल्पनिक हार्मोन्स है। अगला प्रश्न कि जब एपो एंजाइम्स धातु घटक से पृथक किए जाते हैं तो उसकी सक्रियता कितनी होती है, पहले कम तथा बाद में बढ़ता है, वृद्धि, नष्ट या फिर अप्रभाविता। व्हेन एपो एंजाइम्स इज सेपरेटेड फ्रॉम इट मेटल कंपोनेंट इट्स एक्टिविटी इज फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज लॉस्ट या फिर नॉट इफेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉस्ट, यानी कि नष्ट हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिजल्ट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कौन से अमल यानी कि एसिड के इकट्ठा होने से रंध्र बंद हो जाएंगे, मैलिक अमल, एस्पार्टिक अमल, पीईपी या फिर पाइरुविक अमल। तो कौन सा एसिड होगा, देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मैलिक एसिड, जो मैलिक अमल है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन रूट्स देयर इज वन वे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। मूल में किसकी उपस्थिति के कारण आयनों का सक्रिय परिवहन होता है, पेरिसाइकल, डिफ्यूजन, एटीपी या फिर एंडोडर्मिस। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग यूबैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक यूबैक्टीरिया है, रोडोस्पाइरलिम, एंजोबैक्टर, बिजेरिनिकिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। देन ए इज राइट, रोडोस्पाइरलिम। रोडोस्पाइरलिम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ए बी सी एन डीज, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, CO2 gets reduced and water gas oxidizes, यानी कि CO2 का जो अपचयन हो जाता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि हमको पता है कि जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें जल का जो अपचयन है, ऑक्सीकरण है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है। और CO2 का तो पता ही है, CO2 का तो अपचयन होता है, CO2 रिड्यूस होती है, तो CO2 रिड्यूस एंड वाटर जो है वो ऑक्सीकृत होता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो हम बचपन से पढ़ते हैं यार, अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को गलत करता है तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं अमीनो अम्ल का जो अपचयी विघटन है वो किसके माध्यम से जुड़ा होता है, द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड इज कनेक्टेड थ्रू। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एसिटाइल COA, एसिटाइल। ठीक है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से पादप के परिवर्धन को प्रभावित करने वाला या फिर वाले अंतःकोशिकीय यानी कि इंट्रासेलुलर आंतरिक कारक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरसेलुलर इंट्रिनसिक फैक्टर्स टू इफेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट्स, जेनेटिक फैक्टर्स या फिर ऑक्सीजन एंड वाटर। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि अनुवांशिक कारक जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन ये था आज का हमारा सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल पर आप सबको मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक नंबर पर मैसेज करना है, वो नंबर है 9461077734। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देन
अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी पर आपको सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो करके जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह है वो हमसे पुट अप कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।